जो कोई आया है इस धरती के माध्यम से तमाम अवतरित हुए हैं, लेकिन एक भैया एक अनोखा जन्म दिल में चाहत भरी एक सुमन के लिए कांट को भी गले से लगाना पड़ा। पुत्र फल से बड़ा कोई फल है नहीं, जिसकी चाहत में सब कुछ लुटाना पड़ा। लेख कुदरत का मिटता नहीं है कभी, अरे टाक दी जो विधाता ने तस्वीर में। क्या से क्या हो गया वस अहंकार में, लग गई आग जीवन की तस्वीर में। कुछ असंभव नहीं यहाँ पे, कब क्या चमत्कार हो जाए। यहाँ पर थोड़ा याचकाना मिजाज के एक गजल के टुकड़ा लगल मास्टर। बाबूजी अरे कि तुम मेरे लोग एक से एक गाते, लेकिन आज प्रतापगढ़ कौशाम्बी प्रयागराज किसान मरहूम हैदर अली चचा अपने आलम में गाते थे बाबू, अरे कि खुद भी वो परेशान है मुझको आज माने कि खुद भी वो परेशान है अरे मुझको आज माने में। बस्तियां जली सारी समय जनाबे हैदर अली जुगनू गुरुजी डाला करते थे, जनता को कुछ सीख मिलती थी बाबू। लेकिन बिरहा में बाबूजी ऐसी चमत्कार जिसे मैं ही नहीं हमारे गुरुजी के साथ साथ पूरा भारतवर्ष मनाते हुए नजर आएगा बाबू, लेकिन भाव बिरहा में है। अरे बच न सका है कोई इश्क के इशारों से, बच न सका है कोई इश्क के इशारों से।
गौर करेंगे। कहानी की शुरुआत सतयुग से ही। कैसे मास्टर नजम से? बाबू सतयुग के एक समय में दो भाइयों से कहानी की शुरुआत हो रही है। दोनों की प्रविष्टि क्या है? दैत्य समाज से है। इतना अत्याचार हुआ, इतना पाप किए, लेकिन कहते बाबू आध्यात्मिक दुनिया में कूदे के हो तो सबसे पहले अंतिम समय में याद आता कि चला अब ईश्वर के शरण में चल जाए। वही हाल दोनों भाई का हो गया। भक्ति में रमे रम भयो करंभ सही है, इनके किसी भी कोर में विदंभ है। दिए हैं अग्नि देव जाके दरस रंभ को, मारे हम मगर मच्छ रूप धर। बाबू रंभ और करंभ दो दैत्य चौथे पन में ईश्वर को याद करने लगे। अचानक अग्निदेव जी प्रकट हुए, गणना किए, बड़के भाई रंभ की उम्र के हिसाब से पाप ज्यादा हो गया था और करंभ की कम था। बाबूजी मगर मक्ष रूप धर करके करंभ का वध किए और रंभ से बोले मांग लो, क्या मांगते हो? आज रंभ अग्निदेव जी के सामने आशीर्वाद मांगता है लेकिन तर्जिया बनाता है। के हम के बैद के नवो झक्के के हम के बैदक के न वो झके, अरे देखा बन नंदो। सूरज भाई एहू में कौनो दुलही के बीमारी धरे बा, डॉक्टर बैद ओझा सब फेल हो गए हैं, लेकिन तुलहिनिया बुला करके अपने ननंद से कहा हम ऐसे ना ठीक हो। फिर के हम के बैद के न वो झके, अरे देखा बन नंदो। के तार दई के अपने भैया के बुलावा ननंदो, तार दई के अपने भैया के बुलावा। गौर करेंगे आज एक भाई को अग्निदेव ने मार दिया है, रंभ बचा है। आंचल फैला लिया अपने झोली को, कहा महाराज आप हमें देना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे के मेरा वंश चल जाए। रंभ कह रहा है एम प्रभु के हमारी खिलल बबगिया, अरे सजा द देवता के हमरे बगिया में फूलवा खिला द देवता। हमरे बगिया में फूलवा खिला द देवता, हमरे बगिया में फूलवा खिला द देवता, हमरे बगिया में फूलवा खिला द देवता।
एक भाई मर गया, एक भाई से रंब से कह रहे मांगो क्या मांगते हो, दे के चाहत तो एक पुत्र दे दा बस, और साधारण पुत्र होना चाहिए। पुत्र एक ऐसन दिया तू हो नहार हो, अरे देव यौदनु जना ही सके के उमर हो, ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मानव दानव कोई मार न सके, कि रोवली ढेर दिन या भजनी, अरे रुआ व देवता कि हमरे बगिया में फूल एक खिला द देवता, अपने ग्रंथों की बात है बाबू। मांग लिया एक ऐसा संतान चाहिए, एक ऐसा लड़का चाहिए जो कोई मारी ना सके। अग्नि देवता हंसे ला कहा ए राम, ये दुनिया तो मृत लोक है, फिर तू चाहत हो कि ऐसा लड़का क्यों मारे ना, पैदा होगा लड़का लेकिन तुमको एक काम करे कोई कहा सवेर होता है बिस्तरा सूट के पूरब की ओर सिधार देना, होगा क्या तरजिया पहाड़ी गीत बमाज तर, अरे पियावा मिले ले लाल मुनावा देखे के सपनावा, दान करबा एक ऐसा वीर पैदा होगा क्यों जल्दी से मारी ना। ये बात सुनते बाबूजी रात भर रंब को नींद नहीं पड़ी, सवेर 3 बजे उठा है और चल दिया गांव के बाहर। संयोग से पड़ोस के गांव से एक बाप बेटवा एक ठो भैंस का लेके बाबूजी दूसरे गांव जात रहे, ईश्वर का वरदान है,
करें तो क्या करें, कुछ दूर जाई लड़ी भैंस से नजरिया, अरे रहिया में बन गई लेकार, रहिया में बन गई लेकार, अरे महिष से पैदा भइले, अरे सुंदर एक ललना, पढ़ल जेकर महिषासुर नाम हो बाबू, पढ़ल जेकर महिषासुर नाम। रंभ चला है सामने, भैंस नजर आ गई बाबू, ईश्वर अग्निदेव का वरदान था, मजबूरन उसको रतिदान करना पड़ा। एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम महिष से महिषासुर पड़ गया, महिषासुर पड़ गया। आशीर्वाद मिला ही है, कोई मार नहीं सकता, और जब मार नहीं सकता तब तो हम चारों तरफ हम ही घमंड शुरू हो गया बाबू। इसलिए कहते तरजिया बा मास्टर है, अरे कि बाली और झुमका भुलाई जा, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बथुनी पे गोली चले कब मंगवा। भाव में अग्निदेव का वरदान है, अरे जकरा पे मर्जी भगवान के, अरे जकरा पे मर्जी भगवान के, ओकरा पे बस नहीं चले इंसान। आशीर्वाद मिला है, कोई मार नहीं सकता उस बच्चे को। चारों तरफ तहलका मचा दिया, धर्म के जहां भी कार्य हुए वहां पे जा करके व्यवधान डालना शुरू कर दिया। इसलिए कवि जी कहते मास्टर हाय कि पूजा पाठ हवन यज्ञ अवर अनुष्ठान हो, अरे बाधा डावे हड्डी फेंकी फेंकी दूस मना, केऊ नहीं मारई पाई अरे पाके बर दनावा के, अरे धर्म के विध्वंस कैले पप धई के मना।
बाबू पूरे धरती पे अपना परचम लहरा दिया तो निगाह कहाँ गई? डायरेक्ट स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में जा करके इंद्र से वो बच्चा मात्र 15 साल का बाबूजी महिषासुर कोई मार नहीं सकता, जा करके इंद्र से कह रहे राजा इंद्र कुर्सी जल्दी खाली करा और कहत बा लेकिन तर्जिया बा मास्टर इतर्जिया हमरे गुरु जी के गुरु जी स्वर्गीय रामदेव यादव जी वाली बा कैसे बा कि गजभर के गुजारिया गज राजा खूनी सर कपानवा सजाई ले महाराज सिंहासन खाली करा। खड़ा हो गए कहत कि इनके तो मार ना पाई इसलिए सिंहासन खाली कर लेकिन कुर्सी जल्दी छूटी कि छोड़ रड़ खेला अरे हमरा मानिला कहनवा अरे हाथवा मिला के हमके दई दा सिंह देवलोक वाली पगड़ी बंधाई दे बहो अरे देवलोक वाली पगड़ी बंधाई दे बहो राजा खूनी सर कपाना सजाई ले बहो कि अरे ये लड़का के क्यों मारे ना पाई कुर्सी छोड़े के इच्छा ना हो फिर युद्ध होए के चाही। अरे राम अरे राम इंद्रासन में तमाशा मच गया अरे इंद्रासन में तमाशा हो इंद्रासन में तमाशा मच गया अरे देवता चले बिगड़ू छोड़ दिए सिंहासन सिंहासन देवता बने भगेड़ू छोड़ दिए सिंहासन इंद्रासन में तमाशा मच गया। 15 साल का नया लड़का बाबूजी इंद्रदेव सबको पछाड़ना शुरू कर दिया। देवता परेशान अरे कि काल का भी ख्याल तत्काल वही बात कर लाल लाल रोह बहादुर मैं जंग में खाल तेरी खींच के हवाले करूं ब्याल के चलधर चलित याद चलधर तरंग में
लड़ो आज जंग में। ये बाबू काल का विख्याल तत्काल वही बात कर लाल लाल लोहू बहादू में रंग में। यही पे कहा गया ललका रत महिषासुर छलिया देव लोक की ओर चलल लालच है गर्दाज ताज के जंग जवानी जोर दलल। ले लगाए से खून से धरती देवता मन के नूर चलल लाल रंग चक्कर चाल तो तीन लोक में मचल खलल। आप चारों तरफ बाबूजी को किसी के ताकत काम नहीं कर रही है सब देवता परेशान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद परेशान है बाबू। एक तरफ देवताओं की टोली और एक तरफ 15 साल का एक लड़का जिसका नाम महिषासुर। आशीर्वाद मिला है कोई मार नहीं सकता, मारेगा तो एक शक्ति है। पहपट के भाव मास्टर पंद्रह साल का बाबूजी महिषासुर लड़का चैलेंज करता है देवता। ए देवताओं अरे आज समर में के जोर दिखाई जोरवा जांगी के। अरे आज समर में के कर जोर दिखाई जोरवा जांगी के। के कर कितना दूध पियावले माई जोरवा जांगी। एक और सजी है बड़ी भयंकर अरे गरुड़ देव की टोली हो। अरे चाल चले महिषासुर छलिया अरे खेले खून के होली हो। अरे विष्णु देव जब गईले मूर्छा खाई जोरवा जांगी के। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर चले पर आई जोरवा जांगी। ए बाबू सब देवता भाग गए बाबू। इंद्रदेव के मूर्छा खाने के बाद सभी देवता भाग गए। तो होत का बा कि देव या दिस देव शक्ति अरे देव भाग गईले। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर भागे जनवारे बच्चा। जोर काम नहीं कर रहा है सब भाग करके जा करके एक जगह सभी देवता इकट्ठा होकर के करते क्या मास्टर कि सब देव मिल भारी भेव तब कई। अरे देखा सब प्रगति के लिए प्रगट भोजी पैदा भैली ये कठे भवन। अरे हाथे हथियार सब दिहले कमा। ए
एक जगह सभी देवता इकट्ठा होकर के एक साथी कोनो हुड पे चढ़ जा धीरे से उठाला काम हो जाए बाबू। आज शक्ति इकट्ठा की और एक दिव्य कन्या का अवतार हुआ बा। जो आठ हाथों वाली जिसे अष्टभुजी के नाम से जाना गया बाबू। जब जन्म लिया पूरी समस्या बताए बाबूजी। आज वो दिव्य कन्या चलती है महिषासुर के पास लड़ाई करने के लिए और होत काबा आखिरी खड़ी के भाव में। कि धूम धाम माता अष्टभुजी जिस समय प्रकट हुई चलती है तो होता क्या है महिषासुर को ललकारते हुए। अरे धूम धाम धाव धैक्य धाई जननी अरे भाला महिषासुर के सीने पर चलाई सभी देवताओं ने हर एक एक शस्त्र दे दिया है और होत का बम के सिनेमा में जब की अरे चलाओ ले त्रिशूल हो और सिनेमा से निकल ले कमल के फूल। अरे फूल तब ब्रह्मा जी के अरे थमाई जननी अरे भाला महिषासुर के सीने पे चलाई आज महिषासुर के सीने पे बाबूजी चला करके वध किया तब कि पापी महिषासुर के तब भाईले संघार हो जय जय दुर्गा देवी सब कैले जय जय अष्टभुजी माई दुर्गा के अवतार हुआ बाबू। और तब महिषासुर का वध करके पाप का नाश किया और सब लोगों ने माई अष्टभुजी के नाम से बाबूजी जय जयकार किए। इसलिए आखिर भाव घराने के परिचय के साथ मास्टर बाबा बाबा बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मुरबा का अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि अरे बच्चन के विजय पता का हो इंद्रासन में तमाशा मच गया अरे रामदेव प्यारे लाल के होला धर्म इम्तिहान लेती है।
बातों की जान।